hello students in previous video we have discussed the exercises that is fill ups, true and false and mcqs of lesson number 6 now today we will discuss the question answers of this lesson now the first question is what is pollination so we have discussed in this chapter when the insects like butterflies honeybees sits on the flower and the pollen grains get stick into their legs and wings and then they shift that pollen grains from one place to another that is called pollination so we have to write the answer in brief so what is pollination

The second question is where do bees store the nectar? So very easy. Store um, honey bees store the nectar in the combs of with uh combs six-sided chambers in me. That uh, there the honey bees store the nectar. So name the insects that give us silk. जो इंसेक्ट हमको सिल्क देता है दैट इज सिल्क मॉथ एंड वट डज़ इट फीड ऑन सो इट फीड्स ऑन मलबेरी लीव्स वो क्या खाता है मलबेरी लीव्स को खाता है सिर्फ उसी पे वो जीता है खाता है उसी को वो खाता है सो नेम द डिजीज दैट गेट स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज हाउस फ्लाइज से कौन कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है So diseases like diarrhoea, jaundice, cholera, these are some diseases that spread by houseflies. Now next is answer the following questions. How does a silk moth weave a cocoon? So silk moth uh, has cocoon weave. So silk moth secrets a liquid which converts into a थ्रेड है वो एक लिक्विड छोड़ता है कि जैसे ही एयर के कॉन्टेक्ट में बाहर आता है वो फाइन थ्रेड बन जाता है एंड द मॉथ अ कवर अराउंड इट सेल्फ विद दिस थ्रेड और इसी थ्रेड से वो अपने चारों ओर कवर बनाता है

हीट uh, की वजह से दूर चली जाती हैं एंड देन इट इज़ वेरी इजी टू गेट द देन हनी कलेक्टर्स कलेक्ट द बिहार एंड गेट द हनी फ्रॉम इट सो पहले आ, आ, आग जलाते हैं बिहाइव के नीचे जिसकी जिससे स्मोक निकलता है और हीट होती है जिससे जो पीज हैं वो दूर भाग जाती हैं और उसके बाद हम हनी को कलेक्ट कर सकते हैं. so by uh, we can collect the honey by lighting a fire under it uh, which drives the bees away from the beehive and then the honey collectors collect the honey from the beehive now what is lac lac, hota hai? lac is the semi-solid waste uh, substance produced by the lac insect तो लैक क्या होता है लैक इज अ सेमी सोलिड सब्सटांस प्रोड्यूस्ड बाय द लैक इंसेक्ट जो लैक इंसेक्ट प्रोड्यूस करता है सेमी सॉलिड सब्सटांस एंड स्टेट इट्स फोर यूजेस क्या कहा यूज होता है ये लैक सो so, लैक इज यूज इन पेंट्स वारिश एंड फॉर मेकिंग द बैंगल्स एंड फॉर इन प्रिंटिंग इंक तो इन जगह पर ये फोर यूजेस uh, इसके हैं पेंट्स में यूज होता है वार्निशेस में यूज होता है प्रिंटिंग इंक में यूज होता है और बेंगल्स बनाने के लिए भी ये यूज होता है हाउ डूज हाउस फ्लाइज स्प्रेड डिजीज सो दिस वी हैव डिस्कस्ड हाउस फ्लाइज कैसी जगह पर रहती है गंदी जगह पर सो दे सिट्स ऑन द गार्बेज एंड animal waste, excreta, and correct or gather the germs from there. The germs stick on their legs and wings. And then when it sits on the food item, the germs get transferred to that food item. And when uh, the human being or a person eat that infected food, ही गेट सफर फ्राम डिजीज लाइक कॉलरा जॉन्डिस और टाइफॉइड सो इन दिस हाउस फ्लाई स्प्रेडीज सो वो गंदी जगह पर बैठ के जर्म्स को कलेक्ट करती है उनके लेग्स पर वो जर्म्स इकट्ठे होते हैं उसके बाद वही जर्म्स जो है उसके लेग में लगे, लगे रहते हैं और वो हमारे खाने पर बैठती है खाने पर बैठने से क्या होता है जितने भी जर्म्स हैं वो सारे ट्रांसफर हो जाते हैं हमारे फूड आइटम पे। फूड आइटम पे जो जर्म्स हो गए अब वो गंदा हो गया फूड इन्फेक्टेड हो गया वो फूड और उस फूड को जब कोई भी पर्सन या ह्यूमन बीइंग खाता है तो वो जो जर्म्स हैं हमारे पेट में चले जाते हैं और उससे हमको डिजीजेज लगती है जैसे टाइफाइड कॉलेरा जॉन्डिस तो ये बीमारियाँ लगती हैं एंड दीज आर वेरी डेंजरस डिजीज How can we save ourselves from harmful insects? So, how can we harmful insects? Se bacha sakte? So, harmful insects? So, uh, mosquitoes, and uh, stinging insects? or pests or many other things, many other insects? As insects? Jo liye harmful fleas these are harmful So, how can we So, how can we सेल्फ और सेव आवर सेल्फ फ्राम हार्मुल इंसेक्ट्स कैसे बचा सकते हैं सो वी कैन सेव आवर सेल्स फ्राम हार्मुल इंसेक्ट्स बाई यूजिंग नेचुरल मेथड्स और बाय यूजिंग केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स तो नेचुरल मेथड्स हो गए जैसे हम नीम लीड्स को यूज कर सकते हैं सो दीज आर द नीम लीव से हम क्या कर सकते हैं हमारे जो क्लोथ में अगर हम डालते हैं तो क्लोथ्स में से इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं और नीम लीव को और नीम ऑयल से को अगर हम वुड पर लगाते हैं तो उसमें भी कीड़े इंसेक्ट्स नहीं लगते एंड देन वी ऑल्सो यूज द केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हमारे घर में बहुत इंसेक्टिसाइड्स uh, होते हैं जिसके हम स्प्रे करते हैं इंसेक्ट्स पे तो वो इन सारे इंसेक्ट्स मर जाते हैं एंड पेस्टिसाइड्स फार्मर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स अपने क्रॉप को इंसेक्ट्स से बचाने के लिए बिकॉज जो इंसेक्ट्स होते हैं पेस्ट्स होते हैं वो फार्मर्स की क्रॉप्स को सबको ख़त्म कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं सो इन दिस वे वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स सो राइट Uh, we can save ourselves from harmful insects by using natural methods or by using chemicals like insecticides and pesticides. So, these are the question answers of this lesson. Uh, you will get the question answers of this lesson uh, on the website. Thank you.